नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कर्नाटक चुनाव को लेकर बेंगलुरु में पीएम मोदी का मेगा रोड शो शुरू। किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति धनखड़, चार्ल्स तृतीय से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में चोरों ने मंदिर से भगवान का मुकुट और दान पत्र चुराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे, राजौरी व पुंछ में चल रहे सेना के ऑपरेशन की समीक्षा की। कर्नाटक में बोले योगी, बजरंग दल को बैन करने का मतलब हिंदू आस्था से खिलवाड़। पहलवानों से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर्स के बयान कराए दर्ज। पिथौरागढ़ के SBI में तैनात गार्ड ने मैनेजर को पेट्रोल छिड़क कर लगा दिया आग, हालत गंभीर। पुणे के वाघोली इलाके में एक गोदाम में आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। ठगी के आरोपी संजय राय शेरपुरिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ दर्ज। रक्षा मंत्रालय ने बताया, सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाई। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की फिराक में है बीजेपी नेता। नीतीश कुमार ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में रह रहे बिहार के लोगों के लिए मांगी सुरक्षा। राजौरी में मारे गए आतंकवादी के पास से बड़ी मात्रा में हुई हथियार और गोला बारूद की बरामदगी। CRPF के कोबरा कमांडो की मणिपुर चूराचांदपुर मणिपुर में उनके गांव में गोली मारकर हत्या। बेंगलुरु से रेस्क्यू कराई गई पहाड़िया जनजाति की 11 नाबालिग लाई गई रांची। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता दोहा डायमंड लीग, किरेन रिजिजू ने दी बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।